अभी मैं हूँ द्वारका में, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये जो द्वारका है, बिल्कुल आप अगर जो आप इंडिया का मैप देखते हो, जो लेफ्ट साइड में ऐसे थोड़ा सा तीर सा नहीं बनता, यहाँ पे गुजरात है। गुजरात के बिल्कुल तीर के बिल्कुल कॉर्नर है, वहाँ पे हूँ मैं। इससे आगे कुछ है ही नहीं अपना भारत, इससे आगे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इससे आगे समुंदर ही है, इससे आगे और नहीं है अपना भारत देश। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हम अंदर नहीं लेके जा सकते, लाइक वो फ़ोन है या गाड़ी की चाबी है या घड़ी है, ऐसा कुछ भी हम मंदिर के अंदर नहीं लेके जा सकते। ये मैं आपको ये बाहर से दिखा रहा हूँ। तो जी सब्जी मैंने रख दी है और आटा भी हो गया रेडी, ठीक है। बस आलू की सब्जी है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2-3 सीटी बजेगी तो वो बन जाएगी। पूरी मेकिंग का पहले मैं बनाने लगा था, है ना, प्रॉपर मैं सिर्फ पूरी मेकिंग का क्या बनाना है। अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं जब सब्जी वगैरह बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ। हाँ जी, तो अभी रन ऑफ कट से निकल के मैं जा रहा हूँ द्वारका की तरफ। द्वारका जो कि कृष्ण जी की नगरी जिसको बोला जाता है, और जो आज का मेरा है वो भी काफ़ी लंबा, अबाउट 550 किलोमीटर है। तो मुझे पूरा दिन लगने वाला है आज गाड़ी में। तो गुजरात के व्यू मतलब देखता जा रहा हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही आया हूँ गुजरात में भी मैं। तो सारे अब आगे जितनी भी चीज़ें होंगी सारी मेरी फर्स्ट टाइम ही है, पूरा आइडिया पहले मैं कहीं भी ट्रैवल नहीं किया हुआ मेरा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, अलग अलग लोग मिल रहे हैं, है ना, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अपना कल्चर के बारे में बता रहे हैं। और ये देखो आप यहाँ पर, यहाँ पे भी एक गन की टाइप से ही है, ये देखो रन है यहाँ पे भी। ये देखो आप दूर दूर तक आप रोड व्यू देख सकते हो इधर। चलो तो यहाँ के रोड व्यू काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अगर आप इस रोड पे ड्राइव करेंगे तो मतलब बोर नहीं होने वाले बिल्कुल भी, मज़ा आएगा पूरा। ये देखो आप रास्ते में इस तरह का व्यू अपने को कुछ मिलने वाला है। ये देखो द्वारका का साइन इधर को आ गया, और ये कट कहाँ से आएगा ये देखना पड़ेगा मुझे। द्वारका वाली साइड भी जाते हुए रास्ते में अपने को ना इस तरह के क्या बोलते हैं बिजली बनाने वाले पंखे इधर भी काफ़ी लगे हुए हैं इधर गुजरात में भी। और बस मैं थोड़ी देर में ही पहुँचने वाला हूँ, ज़्यादा दूर नहीं रह गया अभी मेरे से यहाँ से। भाई लिटरली सुबह 6 बजे का चला हूँ, बैंड बज चुकी है 5:30 और डेली लेट ड्राइव कर रहा साहब बड़ा सली हुई है। मैं 2 दिन आराम से यहाँ पे बैठने वाला हूँ, देखो यहाँ पे बैठता हूँ या फिर सोच रहा हूँ मैं वडोदरा जा कर वहाँ पे 2-3 दिन आराम से वडोदरा में रहूँगा। बहुत 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 मुश्किल हो जाता है इतना ड्राइव करना 550। कल भी काफ़ी ड्राइव हो गया, आज भी काफ़ी हो गया, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। भाई आप जितने भी लोग देख रहे हो सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको व्लॉग मेरे पसंद आएंगे, है ना। या फिर आप पूरा व्लॉग देख के उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना, है ना। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अभी आगे, सीरियसली बोल रहा हूँ। अभी पूरा इंडिया बाकी है, गुजरात में हूँ सारा इंडिया अभी बाकी है। और ये देखो आप गुजरात का व्यू देखो आप, आपको यहाँ के रोड, यहाँ का कल्चर, टूरिस्ट प्लेसेस सब कुछ मैं यहाँ पे दिखा दूँगा। ये देखो आप इधर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये जा रही है रेलवे लाइन, हाँ जी। तो मैं अभी पहुंच चुका हूँ द्वारका में, बस यहाँ पे जो है द्वारकाशी टेम्पल उस साइड अभी मैं जाने वाला हूँ। एंट्री ये आ गया है मेन गेट, आप देख सकते हो द्वारकाशी का।
क्या बोलेंगे। हाँ जी, तो मैं अभी बस पहुंचने वाला हूँ, सामने आप मंदिर देख सकते हैं। तो अभी बोल रहे हैं कि मंदिर क्लोज होगा, वो ओपन होता है 5 बजे, तो मैं थोड़ा सा 5 बजे से पहले पहुंच गया हूँ, तो अपने को थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी उतना टाइम, तो कोई इशू नहीं है, आप वेट करेंगे है ना, थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो जो सामने आप देख रहे हो फ्लैग, वो मंदिर के ऊपर लगा हुआ वही फ्लैग है, और ये देखो अभी मैं हूँ द्वारका में। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो द्वारका है बिल्कुल, आप अगर जो आप इंडिया का मैप देखते हो, जो लेफ्ट साइड में ऐसे थोड़ा सा तीर सा नहीं बनता, यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के बिल्कुल तीर के बिल्कुल कॉर्नर है, वहाँ पे हूँ मैं। इससे आगे कुछ है ही नहीं अपना भारत, इससे आगे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इससे आगे समुंदर ही है, इससे आगे और नहीं है अपना भारत देश। सो इस कॉर्नर में मैं पहुंच चुका हूँ, गुजरात के बिल्कुल कॉर्नर में, इस साइड में मैं जा रहा हूँ अंदर अंदर जाके, और यहाँ पे वोटिंग वगैरह का भी है सिस्टम, बट मेरे को लगता है अभी पानी कम होने की वजह से वोटिंग वगैरह नहीं हो रही है, रुकी हुई है वोटिंग अभी क्योंकि पानी कम है। इधर सामने जो देख रहे हो ये है गोमती नदी, यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, और ये देखो ऊँट सवारी भी यहाँ पे करवाई जाती है, और ये बिल्कुल अब लास्ट है, इससे सामने आगे दरिया है, जहाँ तक आप देख सके हैं देख सकते हैं वहाँ पे दरिया ही है और कुछ नहीं है, ये देखो। और इंडिया के बिल्कुल लास्ट पे जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और ये देखो लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं गोमती नदी में, पानी काफ़ी कम होने के कारण, मतलब उधर पहले तो नाव से जाना पड़ता था, जहाँ और सामने जो आप पुल देख रहे हो उसका रेनोवेशन चल रहा है तो वो बंद है, अभी यहाँ से हम पैदल जा सकते हैं उधर अगर जाना है तो मैं देखता हूँ ट्राई करता हूँ, क्या कहते हो जाना चाहिए या नहीं। ये देखो मेरे ना नज़ारे, बच्चा ऊपर वाली साइड से ऊपरला समुंदर का पूरा व्यू आएगा, मैं उधर ऊपर नहीं जा रहा, मैं बस वापस जा रहा हूँ मंदिर की तरफ, मंदिर जैसे ही ओपन होता है तो मैं अंदर जाके आ रहा हूँ। इस तरह की यहाँ पे अपने को स्टॉल मिलने वाली है, और ये भैया कर रहे हैं दूध गर्म रात को पिलाने के लिए, इधर चल रही है चाय, ठीक है ये देखो क्या बात है, ये बेच रहे हैं बांसुरी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हम अंदर नहीं लेके जा सकते, लाइक वो फ़ोन है या गाड़ी की चाबी है या घड़ी है, ऐसा कुछ भी हम मंदिर के अंदर नहीं लेके जा सकते। ये मैं आपको ये बाहर से दिखा रहा हूँ, मेरा मंदिर हाँ जी, तो मंदिर के दर्शन करके मैं वापस आ गया हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं अपनी बहन की तरफ। मतलब जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि अंदर फ़ोन या कुछ भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे कभी भी आते हो दर्शन करने के लिए तो मेक श्योर कि आपको फ़ोन वगैरह बाहर रखने पड़ेंगे, और अगर आपकी गाड़ी की जो चाबी है वो बिना सेंसर के है फिर आप अंदर लेके जा सकते हो, अगर वो रिमोट वाली सेंसर वाली है तो वो भी अंदर नहीं जाएगी, और आजकल सभी गाड़ियों के ऑलमोस्ट रिमोट वाली आती हैं, हाँ बट वो अंदर रख लेते हैं, उनका मतलब बना हुआ है एक रैकर बना हुआ है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन भी है चाबी है वो आप
बाहर रैकर में जमा करवा के वहाँ से आप एक को रिसिप्ट दे देंगे, वो आप साथ में कैरी कर सकते हो। बट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें रिस्क है ना, अगर आपकी वो रिसिप्ट है वो बाई चांस मिसप्लेस होगी, किसी और को मिल गई, तो वो उसको दे के वो आपका मोबाइल फ़ोन या कुछ भी वो लेके जा सकता है, तो आपको वो रिसिप्ट संभाल के रखनी होगी, है ना। तो बाकी अंदर का जो मंदिर है वो तो सबको पता ही है, मंदिर तो बहुत अच्छे ही होते हैं, है ना, बहुत पीसफुल होते हैं। तो कृष्ण जी का जो मंदिर है वो आपको आके एक्सपीरियंस करना होगा, बाकी जो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह है वो मैं अंदर इसके लगा देता हूँ। बाय बाय। आज की ड्राइव का तो मैं क्या ही बोलूँ आपको, अबाउट 850 किलोमीटर आज मैं गाड़ी चला चुका हूँ। मैं गुजरात के कच्छ से चला हूँ, है ना, कच्छ के बाद वहाँ द्वारका, और द्वारका के बाद अब मैं पहुँचने वाला हूँ सोमनाथ। आज बहुत ज़्यादा ड्राइव हुआ भाई, पूरा शरीर का ना बुरा हाल हो रखा है, सच में बहुत ड्राइव हुआ आज। स्लिप ले लिया है मैंने इनसे, और ये बोरिया भी पार्किंग स्पेस बहुत है, तो आराम से वहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कहाँ मिलता है स्पेस पार्क करने का गाड़ी को। साइड हो जाइए जी, प्लीज़ साइड हो जाइए। ये भी सोमनाथ मंदिर, ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं भाई यहाँ पे, देखो ना बहुत ज़्यादा श्रद्धालु लोग हैं। देखो सारी बसेस खड़ी हैं, सारी सोमनाथ मंदिर के लिए हैं, और पार्किंग भी बहुत बड़ी है भाई। मुझे ना ये लगा था कि सोमनाथ एक छोटा सा मतलब कुछ होगा, ऐसा ना काम होगा जैसे माइंड में आप इमेज सी बना लेते हैं, बट नहीं यार इधर और सिस्टम है कुछ। यहाँ पे अपने को बहुत अच्छे वाली पार्किंग मिल गई है, और रास्ते में खड्डे बहुत गंदे वाले खड्डे लगे हुए, ब्रेकर है बिल्कुल हाईवे पे उन्होंने बना रखे हैं, पूरे हाईवे पे ब्रेकर जो पता ही नहीं चलता, वो बहुत गंदी तरह से गाड़ी लगी, बस कुछ टूटा नहीं मेरे को लगता है बचा है, ऊपर साइकिल वगैरह तो हिल गया, उसको मैं थोड़ा सेट करूँगा और पहले मैं कुछ खा पी लूँ। लो जी सब्जी मैंने रख दी है और
और आटा भी हो गया रेडी, ठीक है। बस आलू की सब्जी है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2-3 सीटी बजेगी तो वो बन जाएगी। पूरी मेकिंग का पहले मैं बनाने लगा था, है ना, प्रॉपर मैं सिर्फ पूरी मेकिंग का क्या बनाना है। अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं जब सब्जी वगैरह बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ, अगर आप वो व्लॉग देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, फिर मैं उसका भी व्लॉग प्रॉपर बना लिया करूँगा। मैं मेकिंग वगैरह भी बनाता हूँ, तो बस इसके बाद मैं बनाने वाला हूँ खाना बना के। और ट्रैवल हुआ आज बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं